हे दोस्तों, इमेजिन करो और अभी के लिए बस मान लो कि आप एक ऐसे लड़के हो जिसका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। एग्जाम सर पे है पर फिर भी जैसी आप बुक खोलते हो वैसी आपको यौहन आने लगते हैं। पढ़ाई के नाम से ही आपको नींद आने लगती है। 5 मिनट पढ़ने के बाद ही आपके दिमाग में चन्ना मेरे या ये गाना बजने लगता है, जिसके सडनली बाद आप अपने आपको झटका देते हो, सर हिलाते हुए रियलाइज करते हो यार अब तो पढ़ ले, कल एग्जाम है। कुछ 10 मिनट तक आप चीजों को समझने की कोशिश करते हो, जिसके बाद वो कॉन्सेप्ट क्रिस्टोफर नोलन की मूवीज की तरह ट्रिकी बन जाती है, जो बार बार देखने के बाद भी पूरी समझ में नहीं आती, जिससे थक हार के फिर रात में आप आइंस्टाइन बन जाते हो और बेसिक गणित करने लग जाते हो कि यार अभी बज रहे हैं 12:30, टोटल मुझे 5 चैप्टर्स खत्म करने हैं। अगर मैं अभी सो जाऊंगा और 4 बजे उठ जाऊंगा तो एक एक चैप्टर को 1 घंटा दूंगा और 9 बजे तक पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी। 10 बजे एग्जाम्स देने जाऊंगा, जहां पे रास्ते भी थोड़ा रिवाइज कर लूंगा और बस पास होने के मार्क्स तो आ ही जाएंगे। अब देखो, जैसे कि मैंने ये सारी चीजें आपको इमेजिन करने ही बोली थी, लेकिन क्योंकि आपने इमेजिनेशन में भी 5 AM क्लब बुक नहीं पढ़ी है, इसीलिए आप जल्दी सो तो जाते हो लेकिन सुबह सुबह उठ नहीं पाते, क्योंकि रॉबिन शर्मा से आपका क्या लेना देना, आप तो हमेशा 9-10 बजे ही उठते हो ना। अलार्म की टी 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 होती है लेकिन साउंड बंद हो जाता है। आखिर में आपकी आंख खुलती है और आप जब क्लॉक में देखते हो तो बज रहे होते हैं 9। अब जैसे तैसे करके आप एग्जाम देने जाते हो, पढ़ाई कुछ भी नहीं हुई है, अंदर से फटी पड़ी है, क्योंकि आपकी दोस्त आंशा का लास्ट चैप्टर वापस से रिवाइज हो चुका है। सौरभ ने 3 बार रिवीजन खत्म कर लिया है और तनुज के पापा तो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, वो फेल हो भी गया तो पापा का तो बिजनेस है, लेकिन आप क्या करोगे, यही सब सोच के आपकी फट रही होती है। जिसके बाद क्वेश्चन पेपर आपके सामने आता है और बैकग्राउंड में एक गाना बजने लगता है, पेपर के सारे क्वेश्चन आपके सामने नाचने लगते हैं, आप सिंपल सिंपल क्वेश्चन के भी गलत आंसर देते हो और ऐसा फील करते हो कि आपने तो यार फाड़ दिया, आपकी इमेजिनरी दुनिया में आपने एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर दिया है। और बस कुछ आंसर लिखने के बाद ही ट्रिंग, टाइम्स अप, एग्जाम खत्म। इसके बाद जब आंशा आके आपसे पूछती है कि पेपर कैसा गया, तो आप बोलते हो ना, देखो ये जो कहानी थी ये तो बस इमेजिनेशन वाली कहानी थी, जिसके अंदर हमने बहुत एक्सट्रीम में चीजों को लिया, लेकिन सच भी इसके आसपास ही थोड़ा बहुत होता है। कई सारे लड़के ऐसे होते हैं जिनका जरा भी मन नहीं करता है पढ़ाई करने में, तो क्या एक ऐसा लड़का भी जिसका जरा भी पढ़ाई में मन नहीं करता है, जो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाता है, वो भी अच्छे मार्क्स ला सकता है? वेल, इसके लिए मैं आपको इमेजिनरी से हटके एक रियल स्टोरी देना चाहता हूँ, एक रियल इंसान की, जिनका नाम है दीपिंदर गोयल, एक 8th स्टैंडर्ड का लड़का जिसको भी ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। एक बार जब वो 8th स्टैंडर्ड में था तो फर्स्ट सेमेस्टर में उसके टीचर ने उसके ऊपर तरस खा के, आप बोल सकते हो, वो लड़के को सारे आंसर्स दे दिए थे, जिसकी वजह से क्या हुआ था कि पीछे से फर्स्ट आने वाला लड़का एग्जाम में 3rd आ गया था, और जैसे ही उस लड़के का 3rd रैंक आया, उसके पेरेंट्स, टीचर, फ्रेंड्स सब उसको रिस्पेक्ट की नजर से देखने लग गए थे, जिसकी वजह से फिर उसका कॉन्फिडेंस और प्राइड भी बहुत ज्यादा बूस्ट हो गया था। लेकिन फिर सेकंड सेमेस्टर की जब बात आती है, तब फिर वो वापस जब प्रिंटर वाले के पास जाता है क्वेश्चन पेपर मांगने के लिए, जहां से उसे पहले भी क्वेश्चन पेपर मिला था, तब वो प्रिंटर वाला उसे चिल्ला के बोलता है कि चले जाओ यहां से वरना तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगा। तो इसके बाद वो लड़का घर चले जाता है निराश होकर। वो रियलाइज करता है कि अगर अभी मेरे मार्क्स खराब आ गए तो सब लोग यही सोचेंगे कि यार मुझे गलती से पहली बार में अच्छे मार्क्स आ गए थे, जिसके बाद लोग मेरी इज्जत करना वापस बंद कर देंगे। इसीलिए फिर उस लड़के ने सच में दिल लगा के पढ़ाई करना स्टार्ट करी और गेस व्हाट, उसने एग्जाम्स में 5th रैंक भी हासिल किया। और इतना ही नहीं, उसने आगे जाके इतनी मेहनत करी, इतने अच्छे से पढ़ाई करी कि फिर उसने IIT भी क्रैक कर ली और उसका IIT में भी रैंक top 10% लोगों में आया था। और कौन है ये इंसान? वेल, जिस इंसान की मैं बात कर रहा हूँ वो है जोमैटो के फाउंडर दीपिंदर गोयल, जिनकी करंट नेटवर्थ अराउंड $1 बिलियन की है। एंड यस, ही वॉज 8th स्टैंडर्ड फेलियर, बट ही स्टिल मेड अ सक्सेसफुल करियर आउट ऑफ इट। और अगर वो ये कर सकते हैं, वो बोलते हैं, तो आप भी कर सकते हो। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हम ऐसा कर कैसे सकते हैं? तो वेल, इसके ऊपर हेनरी रॉड्रिगो और मार्क मैकडोनियल बोलते हैं कि देखो, कई सारे लोग क्या करते हैं कि वो लोग है ना, एग्जाम से पहले रिवाइज करने को सबसे बेस्ट तरीका मानते हैं, ताकि उन्हें चीजें अच्छे से याद रहे। इनफैक्ट 80% स्टूडेंट यही मानते हैं, जबकि जो टॉपर्स होते हैं, आपने कई बार देखा होगा, वो लोग की ऐसी कॉग्निटिव एबिलिटी होती है कि वो लोग कई बार देखना एग्जाम से पहले काफी शांत होते हैं, काम होते हैं और शांति से पेपर लिख के टॉप भी करते हैं। और अगर आप चाहते हो कि आप भी ऐसे कर पाओ, तो उसके लिए पहला पॉइंट आपको हेल्प करेगा जो है सेल्फ क्विजिंग का। तो स्कूल के टाइम पे ना, मुझे क्विजेस से काफी ज्यादा नफरत थी, और होगी क्यों नहीं, मैं भी उन 3.7 मिलियन लोगों में से आता था जिसे भूलने की आदत है। हाँ, हम लोग पढ़ तो लेते हैं लेकिन भूल भी जाते हैं, इसलिए मुझे वो चीज पसंद नहीं थी। लेकिन सच तो ये ना कि क्विजेस आपके लिए बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, बिकॉज क्विजेस से क्या होता है ना कि आप सिर्फ पढ़ने के बजाय आप अपने चीजों को रिकॉल करने पे फोकस करते हो, आपकी जो रिकॉल की मेमोरी है उसको स्ट्रॉन्ग करने पे काम करते हो, जो आपको स्मार्ट बनाती है। 2011 की जर्नल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी में पब्लिश हुई एक स्टडी कहती है कि एक क्लास ऑफ मिडिल स्कूल स्टूडेंट्स को एक एग्जाम देने से पहले 3 बार नोट्स रिवाइज करने के लिए कहा गया। ना, इसके बाद जब स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया तो उनका जो एवरेज ग्रेड था वो सी था। लेकिन जिसके अपोजिट एक दूसरे बैच ऑफ स्टूडेंट्स को जब एग्जाम देने से पहले 3 बार रिवाइज करने के बजाय 3 बार उनके पॉप क्विजेस करे गए और उसके बाद जब उनका एग्जाम लिया गया तो एवरेज जो ग्रेड आए उनके वो था A-।
और यही चीज ऑथर बोलते हैं कि जब भी आप ज्यादा क्विजेस खेलते हो तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि आप चीजें एक्चुअल में अच्छे से याद कर पाओगे। एग्जाम में आपका टास्क ये नहीं होता है कि आप अच्छे से चीजें पढ़ पाओ, एग्जाम में आपका टास्क ये होता है कि जो चीजें आपने पढ़ी है वो आप उसको अच्छे से वापस से याद कर पाओ और उसे लिख पाओ, और क्विजेस यही स्पेसिफिक चीज करने में आपकी हेल्प करती है। अब हाँ, ऑब्वियसली ये चीज करना पहले स्टार्टिंग में टफ होगी, लेकिन एक बार अगर आप करना चालू कर दोगे तो इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में इतना अच्छे से घुस जाएगी, इतना अच्छे से इनग्रेन हो जाएगी कि फिर आपके लिए वो याद करना वापस से काफी इजी हो जाएगा। और ये सेम चीज आप बुक्स, कोई भी बुक्स के लिए कर सकते हो। कोई भी बुक अगर आप सुनते हो या पढ़ते हो तो उसके 15 मिनट बाद आप उस बुक को बंद कर दो और फिर उसे रिकॉल करने की कोशिश करो कि आपने कौन सी चीजें इस 15 मिनट में सीखी है, कितनी आपको याद है। और जब अगर आपको नहीं याद आता है तो वापस आप बुक खोल के या फिर उसे रिवाइज कर सकते हो। लेकिन मेन फोकस यहाँ पर रिवाइज नहीं बल्कि रिकॉल होना चाहिए। देखो, रिसर्च बताती है ना कि जो भी चीज हम लोग पढ़ते हैं यूजुअली उसमें मोर देन 70-80-90% चीजें हम बस कुछ टाइम बाद ही भूल जाते हैं। जबकि अगर आप क्विज करोगे और क्विज करने के बाद स्मार्टली रिवाइज करोगे तो ये चीज आपके ब्रेन में उस चीज को अच्छे से बैठा देगी और आपके अच्छे मार्क्स लाने में भी आपकी हेल्प करेगी। सेकंड चीज जो आपकी हेल्प करेगी वो है डिवाइड एंड रूल। देखो, पॉलिसी बाजार के सीईओ यशीष दहिया कहते हैं कि स्कूल में ना उनका बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, क्लास में बैठे बैठे उनका ध्यान हमेशा विंडो के बाहर ही जाता रहता था, जिसकी वजह से टीचर उनको बहुत ज्यादा चिल्लाती भी थी। लेकिन क्या आपको पता है, यशीष एक एवरेज स्टूडेंट होने के बावजूद उन्होंने भी आईआईटी को क्रैक किया। उन्होंने अपने लिए एक सीक्रेट टेक्निक को डेवलप किया जो वो फॉलो करते थे और दिन में मिनिमम 6-7 घंटे पढ़ाई करते थे। और क्या थी वो टेक्निक? वेल, एकदम सिंपल सी टेक्निक थी। देखो, जब भी उनका ना प्रोक्रेस्टिनेट करने का मन करता था तो वो सोचते थे कि देखो अभी ना मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए और पढ़ूंगा और बस उसके बाद बंद कर दूंगा। और यही चीज सिंपल से सीक्रेट था ना, ये तो उनके लिए काफी सिंपल चीज थी, बट एक्चुअल में ये काफी कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है जिसके बारे में डेनियल कानेमन अपनी बुक थिंकिंग फास्ट एंड स्लो में उसे एक्सप्लेन करते हैं। वो बोलते हैं ना कि हमारे ब्रेन को कोई भी ना डिफिकल्ट और इम्पोर्टेंट काम खत्म करने काफी आलस आता है, जबकि कोई भी स्मॉल और इजी टास्क करने में हमें इतनी हिचकिचाहट नहीं होती है। और ऐसा क्यों होता है? वेल, नोबेल प्राइज विनर डेनियल कानेमन बोलते हैं बिकॉज हमारे जो थिंकिंग है ना, दो पैटर्न होते हैं। पहला होता है फास्ट थिंकिंग, ये बेसिकली ना दिन भर के मैक्सिमम काम करने के लिए यूज होती है, जिसकी हेल्प से हम लोग अपनी एनर्जी बचा पाते हैं और कॉन्शियसली चीजों करने के बजाय कई बार अनकॉन्शियसली चीजें करने लगते हैं, जिससे हमारी अगेन एनर्जी सेव होती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, सुबह उठ के ब्रश करना, अगर सामने कुछ खतरा दिखे तो अचानक से कूद जाना, खाना खाना, ये सारे रिस्पॉन्सेज हैबिचुअल बन जाते हैं जो हम डेली करते हैं। अगर हमें डेली इन सारी चीजों में अपना दिमाग लगाना पड़े, हम अपने दिमाग का यूज करना स्टार्ट कर दे, हर चीज में डिटेल में जाना चालू कर दे, तो हमारी बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट होगी, जो हमारा ब्रेन नहीं चाहता है। इसीलिए उसके लिए डेवलप हुई है ये फास्ट थिंकिंग। जबकि स्लो थिंकिंग क्या होती है? इसके अंदर बेसिकली कैलकुलेशन, रीजनिंग, वो सारी चीजें इन्वॉल्व होती है। यहाँ पे हम अपने ब्रेन से बहुत ज्यादा कॉन्शियस एफर्ट्स डलवाते हैं, जैसे बुक्स पढ़ना, प्रेजेंटेशन बनाना, जिम जाना मे बी। ना ये सारे टास्क में ना आपके ब्रेन को काफी ज्यादा विल पावर लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से ही फिर हम लोग को वो काम करने बहुत ज्यादा आलस आता है, बोर होता है। ऐसा आपके साथ भी होता होगा ना। इमेजिन करो, आपको एक बड़ा प्रोजेक्ट खत्म करना है, आप सोचते हो कि यार मैं 7 बजे से काम करना शुरू कर दूंगा, लेकिन 7:15 होते ही आपको मन करता है कि यार चल जाके चाय पी लेता हूँ। फिर 7:25 को आप ईमेल चेक करना स्टार्ट कर देते हो, 7:35 को आपका मन करता है कि यार जो फालतू ऐप्स है मेरे मोबाइल से उसको डिलीट कर देता हूँ। फिर 7:45 को आपको भूख लगने लगती है, 8 बजे तक आप सोशल मीडिया यूज करने लग जाते हो और फिर पूरा टाइम उसको ही यूज करते रहते हो। अगेन, ऐसा क्यों होता है? वेल, जर्नल ऑफ कंज्यूमर रिसर्च में रिसर्चर्स ने पाया कि लोगों को ना छोटे टास्क करने में बहुत ज्यादा मजा आता है, क्योंकि उनको उससे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलता है, या ये तो मैंने कितने जल्दी खत्म कर लिया, आई एम सो गुड। पर इसके अपोजिट, जब भी हम लोग टफ टास्क खत्म करने जाते हैं तो उसमें हमें काफी ज्यादा टाइम लगने लग जाता है, हमें लगता है कि शायद हम लोग ये कर ही नहीं पाएंगे, हमसे होगा ही नहीं, हम नेगेटिव हो जाते हैं। जॉन मैक्सवेल ने 100 से भी ज्यादा किताबें लिखी है और उनका सीक्रेट यही था कि वो दिन के फर्स्ट हाफ में ही सिर्फ और सिर्फ अपना फर्स्ट प्रायोरिटी वाला टास्क करते थे, जो था लिखना। उस टाइम पे वो मीटिंग्स नहीं करते थे, कॉल्स पे नहीं जाते थे, सोशल मीडिया यूज नहीं करते थे, बस बुक्स लिखने में फोकस करते थे। और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करके हर सुबह वो यही करते थे, जिसकी वजह से ही उन्होंने 100 से भी ज्यादा बुक लिख डाली। ऐसे आप भी ना अपने विल पावर बढ़ाने के लिए सिर्फ इतना इमेजिन करो कि यार अब ना मैं सिर्फ 5 मिनट पढ़ूंगा। 5 मिनट हो जाएंगे तो आप 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हो, फिर और 5 मिनट पढ़ो। फिर जैसे आपका मन करे कि अब नहीं पढ़ता हूँ, तो फिर अपने आपको आप बोल सकते हो कि चल मैं 5 मिनट और पढ़ लेता हूँ बस। ऐसी है ना, आप अगर करने लग जाओगे ना तो धीरे धीरे आपको ना ज्यादा पढ़ने की आदत पड़ जाएगी और आप कम टाइम में भी ज्यादा चीजें अचीव कर लोगे। नेक्स्ट, एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको काफी सारी चीजें कम टाइम में पढ़ने में हेल्प कर सकता है, वो है डीप वर्क वर्सेस स्यूडो वर्क। 2012 में विलहेम हॉफमैन और रॉय बॉमिस्टर, इन्होंने 205 लोगों के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, जिससे ये पता लगा कि हम सिर्फ 50% सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शंस को ही चाहकर अवॉइड कर सकते हैं। जिसका मतलब, अगर हम मोबाइल फोन या लैपटॉप लेके पढ़ाई करने बैठेंगे तो ऑड्स यही है कि हम लोग एक नहीं तो दूसरी बार किसी ना किसी नोटिफिकेशन या चक्कर में डिस्ट्रैक्ट होके मोबाइल यूज करना चालू कर ही देंगे, और उसकी वजह से फिर हम लोग डीप वर्क नहीं कर पाएंगे। देखो, कई लोग लगता है ना कि हमें ना बहुत पढ़ाई करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं है। कई बार हम लोग ज्यादा टाइम इन्वेस्ट भी करते हैं
बट उसके अंदर हम लोग स्यूडो वर्क करते हैं। स्यूडो वर्क क्या होता है? वेल, कोई भी वो काम जिसके अंदर हम लोग डीप फोकस के साथ, सिर्फ सिंगल फोकस के साथ काम नहीं करते हैं। जैसे कि पढ़ाई करते करते बार बार मोबाइल को स्क्रॉल करते रहना, पढ़ाई करते करते कुछ खाते रहना, पढ़ाई करते करते पानी पीने जाना, बार बार टॉयलेट करने जाना, 10 चीजें हम लोग बार बार करने की कोशिश करते हैं, तो ये चीज बेसिकली स्यूडो वर्क है, ये डीप वर्क नहीं है। आपके साथ भी ऐसा होता होगा ना, पढ़ाई करने बैठते हो तभी आपके दिमाग में आता है कि यार मुझे ना कोई अच्छी सीरीज ढूंढना है देखने के लिए, कि यार ये एग्जाम कब खत्म हो जाएंगे तब मैं यहाँ पे घूमने जाऊंगा। पढ़ते पढ़ते ही आपको किसी का मैसेज आने लगता है तो आप उसको रिप्लाई करने लगते हो, पढ़ते पढ़ते ही आपको भूख लगने लगती है तो आप जोमेटो स्क्रॉल करने लग जाते हो, फिर आपको किसी का फ्रेंड का कॉल आ जाता है, फिर पढ़ते पढ़ते आप उससे बात करने लगते हो, मोबाइल बंद करते हो और पढ़ते पढ़ते उसके बारे में सोचने लगते हो कि यार मुझे ना उसको ये बोलना चाहिए था, मुझे ना उसको वो बोलना चाहिए था। ऐसे आप जब काम तो करते हो लेकिन उसके अंदर आपका टोटल फोकस नहीं रहता है तो बेसिकली वो स्यूडो वर्क है, जिसकी वजह से कई बार ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करने के बाद भी आप ज्यादा चीजें अचीव नहीं कर पाते हो। ऑन द अदर हैंड, अगर आपको डीप वर्क करना है तो सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, वेल अवॉइड मल्टीटास्किंग। तो दो ग्रुप्स को दो सेगमेंट में डिवाइड किया गया, ग्रुप ए एंड बी, दोनों को पजल सॉल्व करने दिए गए। लेकिन ग्रुप ए को जब पजल सॉल्व करने दिए गए ना, तो उसके बीच में उन्हें उठा के एक दूसरे रूम में लेके जाया गया, जहाँ रिसर्चर्स ने उनसे लॉजिकल क्वेश्चंस पूछे जिसके आंसर्स वो अच्छे से नहीं दे पा रहे थे। बट वहीं अपोजिट में ग्रुप बी के पार्टिसिपेंट्स को पहले पूरा पजल अच्छे से कम्प्लीट करने दिया गया, उसके बाद जब उनसे क्वेश्चंस पूछे गए तब ग्रुप बी के लोगों ने, पार्टिसिपेंट्स ने, काफी लॉजिकली काफी सारे अच्छे आंसर्स दिए। बेसिकली आप बोल सकते हो उन्होंने ग्रुप ए से काफी अच्छा परफॉर्म किया। नाउ ऑथर कार्ल न्यूपोर्ट के हिसाब से आपके पास लिमिटेड टाइम और विल पावर है, जिसे हम लोग जाने जाने में ना मल्टीटास्क करके बहुत ज्यादा वेस्ट कर देते हैं, हमारे विल पावर को भी और हमारे टाइम को भी, जो हमें नहीं करना चाहिए। तो फिर करना क्या चाहिए? वेल, आपको ऑब्वियसली डीप वर्क करना चाहिए, और वो करने के भी आपके पास चार अलग अलग अप्रोचेज है जो मैं आपको भी बताता हूँ। पहला अप्रोच है मोनेस्टिक अप्रोच। क्या आपको पता है बिल गेट्स जब बेसिक का पहला वर्जन लिख रहे थे ना, कोडिंग कर रहे थे, तब वो 8 हफ्ते तक अपने वही एक चेयर पर बैठे बैठे पूरा दिन काम करते रहते थे। कभी कभी तो इतने थक जाते थे काम करते करते उसी जगह पे कि वो चेयर पे ही सो जाते थे। वहीं दूसरी तरफ जेके रॉलिंग्स भी 2007 में जब वो अपनी हैरी पॉटर की लास्ट बुक खत्म कर रही थी, तब उन्होंने क्या किया कि वो कुछ महीनों के लिए अपने आप को उन्होंने आइसोलेट कर लिया। वो एक होटल रूम में गई और पूरी तरीके से अपने आप को उधर बंद कर लिया और उन्होंने पूरी बुक कंप्लीट करी वहीं पे। और इसे ही बोलते हैं मोनास्टिक अप्रोच, जहां पे डिसाइड कर लेते हो कि ये मेरा काम है, इसके अंदर मैं घुस जाऊंगा और जब तक वो काम खत्म नहीं होगा मैं काम करते ही रहूंगा। नाउ ऑब्वियसली ये अप्रोच काफी एक्सट्रीम है, लेकिन लोग ऐसा करते भी है और एक अच्छे से काम भी करता है। बट अगर आपको इसके अंदर इंटरेस्ट नहीं है तो सेकंड आता है बाय मॉडल अप्रोच। ये अप्रोच में आप एक स्केड्यूल प्लेस करते हो, जैसे कि रॉबर्ट कियोसाकी भी अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड में लिखते वक्त बोलते हैं कि उन्होंने ना बाय मॉडल अप्रोच को ही फॉलो किया था, जहां पे वो 4-5 घंटे के लिए वो अपने एक रूम में चले जाते थे और उस टाइम फ्रेम में वो विदाउट एनी ह्यूमन इंटरेक्शन, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, सिर्फ उस बुक पे काम करते रहते थे। ऐसे ही अगर आप भी अपने दिन में एक स्केड्यूल बना लो कि यार इतने से इतने बजे तक मैं पढ़ाई करूंगा और फिर चाहे कुछ भी हो जाए ये टाइम में मैं और कोई चीज नहीं करूंगा, तो यही हो गया बायोमॉडल अप्रोच। थर्ड आता है रिदमिक अप्रोच। यहाँ पे बेसिकली आप एक रिदम में काम करते हो, यहाँ पे भी आप टाइम ब्लॉक्स का यूज करते हो लेकिन उसको एक रिदम में। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप 1 घंटे डीप वर्क करने का सोचते हो, जहाँ पे नो फ्रेंड्स, नो सोशल मीडिया, नो डिस्ट्रैक्शंस, जिसके बाद 1 घंटा आप निकालते हो एंजॉय करने के लिए। या फिर मे बी आप 2 घंटा सोचते हो मैं पढ़ाई करूंगा, फिर सोचते हो कि 2 घंटा मैं आराम करूंगा और उसके बाद वापस से 2 घंटे पढ़ूंगा और फिर वापस से 2 घंटा आराम करूंगा। इसे बोलते हैं रिदमिक अप्रोच। और लास्ट फोर्थ आता है जर्नलिस्टिक अप्रोच। देखो, अगर आप जॉब करते हो, बिजनेस रन करते हो या फिर कोई भी ऐसी वर्ल्डी एक्टिविटी करते हो जहां पे आपको फर्दर पढ़ाई करना है पर टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, तो जर्नलिस्ट अप्रोच आपको काफी हेल्प कर सकता है। पीटर शैंकमैन को एक बुक की मैन्युस्क्रिप्ट कंप्लीट करनी थी ना, उनको ना वो टाइम पे अमेरिका से चाइना जाना था किसी काम के लिए, तो उन्होंने आपको पता है क्या किया, उन्होंने फ्लाइट के अंदर ही, जो 30 आवर्स की फ्लाइट थी और पूरा टाइम जो उनको ट्रैवलिंग में लगा, उस 30 आवर्स में ही उन्होंने पूरे जोश के साथ काम किया और अपनी मैन्युस्क्रिप्ट को खत्म कर दी। अगर आप भी एक प्रोफेशनल हो जिसको बहुत कम टाइम मिलता है लेकिन आपको ऐसे बहुत सारे टाइम के पॉकेट्स मिलते हैं, कभी ज्यादा कभी कम, तो आप उन टाइम पॉकेट्स को आइडेंटिफाई करो और जब भी आपको टाइम मिल रहा है तब उसके लिए काम करो। जैसे कि फॉर एग्जांपल कई लोग 1-1 घंटा 2-2 घंटा ट्रेन में ट्रैवल करते हैं या किसी गाड़ी में ट्रैवल करते हैं, वो टाइम उनका खाली जाता है, डेड आवर्स आ जाता है। ऐसे टाइम पे आप अपने काम को खत्म कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो या कोई भी चीज कर सकते हो। देखो, ये मोनेस्टिक अप्रोच से अलग है। मोनेस्टिक अप्रोच में आप तब तक काम को नहीं छोड़ते हो जब तक आपका वो काम खत्म ना हो, जबकि यहाँ पे जर्नलिस्ट अप्रोच पे आपको जैसे जैसे टाइम पॉकेट्स मिलते हैं अलग अलग कामों की वजह से, तब तक आप टाइम का यूटिलाइज करते हो अच्छे से काम करने के लिए। तो बस ये थे वो चार अप्रोच, जिनमें से जो भी सूटेबल आपको लगता है वो आप यूज कर सकते हो। अच्छा, मैं एक चीज बताना भूल गया, रिदमिक अप्रोच में एक और चीज आती है जिसे बोलते हैं पोमोडोरो टेक्निक। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि आप 25 मिनट पढ़ते हो और फिर 5 मिनट आप टाइम पास करते हो, जो आपको करना है वो कर दो, फिर वापस से 25 मिनट पढ़ते हो और फिर 5 मिनट टाइम पास करते हो। तो ये भी एक रिदम में चल रहा है ना, तो इसको भी एक रिदमिक अप्रोच है। ये काफी पॉपुलर तरीका है जिसका काफी लोग यूज करते हो, इवन डॉक्टर्स लोग यूज करते हैं अच्छे से पढ़ाई करने के लिए और बाकी सारी चीजें करने के लिए। तो ये भी आप ट्राई कर सकते हो।
अभी रिविजन के लिए देखे तो कौन सी चीजें हैं जो आपको हेल्प करेगी कम टाइम में अच्छे से पढ़ाई करने के लिए या अच्छा स्टूडेंट बनने के लिए। पहली चीज है अपने आप को सेल्फ क्विज करना, फिर है डिवाइड एंड रूल स्ट्रेटेजी को फॉलो करना, थर्ड है डीप वर्क करना जबकि स्यूडो वर्क को अवॉइड करना, और डीप वर्क करने के लिए चार अप्रोचेस का यूज करना। पहला है मोनास्टिक अप्रोच, दूसरा है बायमॉडल, थर्ड है रिदमिक और फोर्थ है जर्नलिस्ट अप्रोच। बस इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये बातें काम की लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाओ। मैं ऐसी अलग अलग बुक की बातें आपके लिए हमेशा लेके आता रहूंगा फ्री में हर संडे। शेयर कर दो इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ जो लोगों को पढ़ाई करने नहीं होता है, जो पढ़ाई में अच्छे हैं या फिर अच्छे नहीं है, ताकि उनका भी कुछ फायदा हो सके। और अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।